अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम्स आते हैं, तैयार होते हैं सरकारी नौकरी के लिए। बहुत सारे बच्चों का रहता था कि सर उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कराएं, स्पेशली जो हमारे गांव देहात के बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैं बड़े एग्जाम्स की बात ना करूँ पहले, तो छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनकी सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं, आप लोगों को कैसी अच्छी लगती है वीडियो। कोशिश ये रहेगी कि आपको मैथ्स जो है ना वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बाइलिंगुअल रखूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँ, तो जिससे दोनों बच्चों को ही फायदा हो। कुछ बच्चे हमारे अब गांव इलाके में भी सीबीएसई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम कर पा रहे हैं, और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं सरकारी स्कूल, वो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो कोशिश रहेगी कि दोनों ही तरह के बच्चों को सिखाया जा सके। एक पेपर मैंने निकाला है जो यूपी कॉन्स्टेबल की भर्ती का पेपर है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथ्स के, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से आप समझ रहे हैं, मैं समझा पाता हूँ या नहीं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, एक पेपर से मैंने लिए हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आप लोग। इसमें मैंने कुछ देखा है कि कुछ तो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, बिल्कुल बेसिक, कुछ हैं जो आपको अच्छे से करना होता है, सीखना होता है, बट लेवल बहुत ईजी होता है। अगर थोड़ा सा भी बच्चा ध्यान से करे तो मैं समझता हूँ कि 100% आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे के सारे बिल्कुल सही कर सकते हैं। देखिए कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। जो एग्जाम्स में पेपर में आता है उसमें वो दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है आमने सामने, इसी तरह से पेपर फॉर्मेट रहता है। तो अगर ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ पहला, भाई इंग्लिश का देखना है, फिर हिंदी का अगर आप देखना चाहें, नीचे दी गई समझ संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो आपके पास नंबर दिए हुए हैं जो हमें दे रहा है कि 12 25 है, 20 25 है, 25 25 है और 42 25 है। ये नंबर्स हैं, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ग करना, वर्गमूल लेना, घन करना, घनमूल लेना, उसी की हम बात करते हैं। तो मैं अगर इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि असल में जो 5 से लास्ट में नंबर आता है, वर्ग की कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे किस किस से एंड हो सकता है, जैसे तो अगर 5 से संख्या समाप्त हो रही है, 5 से, तो देखो मैं आपको छोटा सा लिख के दिखाऊं फिर आपको समझ में आएगा। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं आपको इसको 15 का स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 225। अगर मैं आपको 25 का स्क्वायर कर दूं तो ये हो 625। अगर मैं 35 का स्क्वायर कर दूं तो ये होता है 1225। अगर मैं 45 का स्क्वायर कर दूं, अभी बताऊंगा ये कैसे हो रहा है ना, पहले मैं लिख रहा हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है, उससे आप आइंदा भी ध्यान रख पाएंगे और इनके स्क्वायर भी कर पाएंगे, वर्ग भी कर पाएंगे अगर आपको जरूरत पड़े तो। 45 की अगर मैं बात करूं तो वो 20 25 होता है। अगर मैं 55 की बात करूं तो वो होता है 30 25। अगर मैं 65 की बात करूं वो होता है 40 25। ये होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा सा रूल है। अगर देखिए 5 जब लास्ट में आ रहा है, 5 का स्क्वायर, सबके लास्ट में 5 का स्क्वायर है, तो इन सब में ही 25 तो आएगा, ये ध्यान रखिए। और जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है उसको एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 6 है तो 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 42 आ जाए। 5 है तो 6 से कर दीजिए, 30 आ जाएगा। 4 है तो 5 से कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 3 है तो 4 से कर दीजिए, 12 आ जाएगा। 2 है तो 3 से कर दीजिए, ये आ जाएगा। 1 है 2 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 12 25 भी है हमारे पास, 20 25 भी है हमारे पास, 42 25 भी हमारे पास, ये वाला नंबर हमारा स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हो। खैर,
ये आज तो पेपर ले रहे हैं, उसके बाद में जरूर कोशिश करेंगे कि फिर हम टॉपिक वाइज लेंगे कि वर्गमूल वाले और वर्ग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, घनमूल वाले घन कैसे क्वेश्चन होते हैं, प्रतिशत वाले कैसे होते हैं, अनुपात वाले कैसे होते हैं, फिर हमारी कोशिश वो भी रहेगी कि इन टॉपिक्स को भी लेते रहें। अब जैसा ये हमारे पास दिया हुआ है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो इसमें अगर आपको याद हो एक रूल होता है बोर्ड मास, अगर हम बात करते हैं ये होता है आपका जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद आप डिवीजन की बात करिए, मल्टीप्लिकेशन की बात करिए, प्लस की बात करिए, फिर सब्ट्रैक्शन की बात करिए। तो अगर आप पहले इसको सॉल्व कर लें इस ब्रैकेट को, और इस ब्रैकेट में अगर हम बात करेंगे इसमें भी सबसे पहले डिवीजन से बात करेंगे, भाग वाले से, तो 8 को 2 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो वो हो जाएगा 4, और 16 में से 16 में से अगर 4 कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 1 हो जाएगा, और 60 डिवाइडेड बाई 5 1 हो जाएगा, और बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई। अब दोनों ही डिवीजन है तो दोनों अलग अलग आप सॉल्व कर लीजिए, 60 डिवीजन बाई 5 12, और 12 डिवीजन बाई 3 12 से को 3 से करिए 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 48। तो इस तरह से ये आपके पास 48 है। तो इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जब आपको कराएंगे तब मजा आएगा। अब ये हमारे पास है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक दिया है, तो मैं देख रहा था इसमें तो कुछ ही नहीं था, आपसे क्या कह रहा है कि भाई समीकरण का हल चुने, बस कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 और 4 5 और 7 12, ठीक है सर, 2 12 एक आपके पास आ गया, तो 1 2 3 और 5 8 और 8 16 ये आपके पास हो गया, 1 फिर आ गया आपके पास, तो 1 और 3 4 और 4 6 10 और 9 19 ये आपके पास आ गया। तो अगर आप अब जरा सॉल्व करने में भी ध्यान रखना है, जब आपके पास 962 तीन डिजिट आपके पास आ चुकी, तो 962 सिर्फ एक में ही आ रहा, तो फिर आपको जरूरत नहीं रहती कि आप दूसरा आगे भी करें, तो यही हमारे पास आ जाएगा, तो हमारा जो है पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास था कि भाई आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4/5 एंड 2/3, ये आपसे क्या कह रहा है कि 4/5 और 2/3 में डिफरेंस निकालिए, अंतर क्या होगा। तो अंतर सीधा सीधा सही है, इसको सबसे इजी करने का तरीका होता, कुछ नहीं करना होता, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 15, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 12, इसको यहाँ गुना करिए हो जाएगा 10, 12 10 2 2/15, तो 2/15 ये रहा आपके पास, सबसे इजी हो, मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस। यहाँ से हमारे कुछ टॉपिक स्टार्ट होते हैं कि भैया आपके पास आपसे कह रहा सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 30 60 72 का महत्तम समापवर्ती क्या होगा। अब महत्तम समापवर्ती इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, एक तो होता है सॉल्व करने का तरीका, पहले हम इसको हल भी कर लेते हैं और इसको मैं दूसरे तरीके से देखो, यहीं से हमारे पास होता है भाई ये 30 है, ये 60 है, ये 72 है, आपको इसका HCF निकालना। तो इसमें तरीका ये था कि भाई आप इसके 30 के फैक्टर कर लें, अगर 30 के आप करेंगे फैक्टर तो 2 3 6 5 30, 60 के करेंगे तो 2 3 6 5 30 2 60, 72 के करेंगे तो 2 3 6 ये हो जाएगा बस 6 2 12 3 36 2 72, इस तरह से आप फैक्टर्स कर सकते हैं, इसे गुणनफल कर सकते हैं। अब HCF की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन नहीं, तो 2 3 6 ये आंसर है। लेकिन इसका छोटा सा तरीका एक ये भी होता है, जब आप HCF ढूंढ रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो 30 है 60 है 72 है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 से ये तीनों डिविजिबल है, तो 2 इनका फैक्टर है, ध्यान रखना गुणनखंड है। 3 से अगर आप करेंगे तो 3 से भी 30 और 60 और 72 कर सकते हैं, तो 2 भी है 3 भी है। अब HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा, महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, तो अगर 2 और 3 की बात करूं तो 3 हो जाएगा, तो 2 नहीं छोड़ दीजिए। अब 6 देखिए कि क्या 6 भी 30 को 60 को और 72 को कर रहा है, यस कर रहा है,
ये भी हो जाएगा। अब अगर हम देख रहे हैं कि भाई 12 कर रहा है नहीं कर रहा, 12 30 को नहीं कर रहा है, 60 को कर सकता है, 72 को, तो आप आंसर से भी मिला सकते हैं कभी कभी क्वेश्चन, कि आपका आंसर जो है, जो आपका उत्तर है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सॉल्व ही करना पड़े। तो ये हमारे पास था महत्तम समाप्त वर्तक के ऊपर क्वेश्चन। अब आपसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, ऑप्शन, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अब यहाँ दे रहा है लघु समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है कि भाई किस किसको ये डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास देखना है कि किसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो 24 जो है वो 60 को डिवाइड नहीं करता, ध्यान रखिएगा, तो ये नहीं हो सकता। सॉल्व तो हम बाद में करेंगे। अगर आप देखेंगे 40, 240, तो 240 को डिवाइड नहीं करता, तो फिर ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, 24 से अगर आप देखेंगे तो 24 से 180 भी डिवाइड नहीं होगा, तो बचता क्या है, 15 से भी 120 डिवाइड है, 30 से भी 120 डिवाइड है, और 24 से भी। तो ये हमारे पास है, जैसे मैंने आपसे कहा आंसर से चेक। और अगर इसका सिर्फ आपको आंसर निकालना है गुणनखंड से, तो आपने महत्तम लघुत्तम समापवर्ती निकालना सीखा होगा, 15 30 24। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से आप कर लीजिए जल्दी जल्दी, 3 से आप करते हैं 5 10 8, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है, 5 भी आएगा इसका मतलब, ध्यान रखना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 8 ही ले लीजिए क्योंकि 5 से तो ये 1 ही हो गया, फिर 8 ही ले लीजिए क्योंकि 2 में 8 जो है, 8 के अंदर 2 भी आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 8 5 40 दिया 120, ये हमारा आंसर। तो ये जब हम करेंगे लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती, तब उसमें हम प्रैक्टिस सीखेंगे। आज तो सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसा ये दिया हुआ है, 21 चॉकलेट्स जो हैं आर शेयर्ड इन द रेशियो इज टू 2, द स्मॉलर शेयर विल बी। हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है, इसमें अगर आपने देखा होगा अनुपात वाले में, जैसे आपको दिया हुआ है 5, तो इसे आप 5x कर सकते हो। मैं अभी दो तरीके से इसको बताऊंगा, जैसा 2 कर रहे हो तो उसे करते हो 2x, तो ये हो गया टोटल 5x और 2x, और टोटल है 21, तो ये हो गया 7x, 7x हो गया 21, तो 7 दिया 21, x हो गया 3। अगर x 3 है तो बड़ा अगर निकालना है तो 5 से गुना करिए, और अगर छोटा निकालना है तो 2 से गुना करिए, 6, तो छोटा वाला 6। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान से रखिए, कि हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है रेशियो जो है अनुपात जो है 5:2 का है, देखिए 5:2 का अनुपात, तो इसका जो टोटल बन रहा है 5 और 2 का, वो बन रहा है 7, और वैसे जो हमारा ओरिजिनल टोटल है, ठीक है भाई, असली वाला जो टोटल है वो है 21, ये बस। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो छोटा वाला है वो 2 है, कितने में से है, 7 में से, तो 21 में से कितना होगा, ये भी एक तरीका होता है, तो 7 दिया 21, तो 2 दिया 6, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं चीजों को सीखने के, करेंगे जब हम इनको अच्छे से डिटेल में जाएंगे। अब जैसे कह रहा है, माहिम सिक्योर 126 मार्क्स इन ए टेस्ट आउट ऑफ 175, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ऑप्शन बाय माहिम। आपके पास क्या है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से, ये कुल अंक है टोटल, ठीक है, 126 प्राप्त किए, तो माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालो, तो प्रतिशत का सीधा सा तरीका, कितने हैं, कितने में से हैं, गुना 100, ये होता है। तो इसे आसान तरीका ये है, 25 से आप काटिए और 25 से इसे काटिए, और फिर अगर आप ये काट सकते हैं तो इसे काटिए, 7 एकम 7 और 7 अति 56 और 18 चौक 72, ये आ गया आपका 72 आंसर, ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, व्हाट इज 12% ऑफ 35, ये मैं सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 35 का 12%, तो सीधा सा है, 35 का मतलब गुना होता है 12%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, बस इतना सा आंसर है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए जिस तरह से भी सॉल्व कर। अब इसमें सबसे अच्छा ये है कि नीचे 100 को काटिए मत,
बगैर काटे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपके कह सकता हूँ 12 पंजे 60 और 12 36 और 6 42 और नीचे 100 है तो इससे 0 लगा देंगे तो 1 0 यहाँ कटेगा, 1 तो 4.2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से मैंने जैसे कहा था ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक वाइज आते हैं। तो आपसे कह रहा है कि रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है, रमेश ने वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? तो अगर आपको पता हो एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है लाभ हानि, ये हमारे पास है। तो रमेश ने एक वस्तु 434 रुपए में बेची तो विक्रय मूल्य हो गया 434 और उसे लाभ मिला 24%, तो कितने में खरीदी थी क्रय मूल्य बताओ, ये हमारे पास है। तो ध्यान रखना जो लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो इसमें तरीका ये होता है कि हमने क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स मान लिया किसी को, ठीक है। अब उसमें सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं, उस पर आपको 24% लाभ हो रहा है। तो जो भी कोई चीज होती है, करने को तो इसे बहुत लंबा भी कर सकते हैं लेकिन एक छोटी सी लाइन में कह दूं, जो भी कोई चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये जो एक्स है ये 100%, अब इस पे लाभ हो रहा है आपको 24%, तो 100% की पहले से थी, 24% लाभ हो गया तो ये 124% हो गया अपने आप में, 124%। प्रतिशत का मतलब वही पर 100 पर 100 तो अपॉन में 100 लिख देते। और ये अब पहले इसका जो क्रय मूल्य था वो था x, 124% हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य दिया हुआ 434 तो उसको 434 के बराबर रख दें, ये आंसर है बस। अब इसको आप x को सॉल्व कर लीजिए जिस तरह से भी आप सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, आप लाना चाहें तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 434 × 100/124, तो आप इसे जितने आसानी से कर सकते हैं कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 4 ठीक है जी, और 4 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है, 4 से 6 वाला कट जाए, चलो जी 4 से नहीं कट रहा है तो 4 से 25 ही कर देते। अब ये हमारे पास जो है 35 को गर्म करेंगे, 35 से 434 = 31, यहाँ कितना बचा हमारे पास, ठीक है 13, ये बच गया हमारे पास 31 × 3 = 2 = 124, 3 × 12 तो 4 से कट जाएगा, तो ये आ गया 2500 × 100 = 25 × 25 = 35, 350 ये हमारे पास आया। तो 350 रुपये आपका क्रय मूल्य, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आपसे कह रहा है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होता है? अगर आपको पता हो अंकित मूल्य में से, ठीक है, आपको छूट दी जाती है उसके बाद का विक्रय मूल्य आता है, ये मेरे पास। तो अंकित मूल्य पता नहीं, फिर वही एक्स, कितनी छूट दी गई 12, तो जो ऊपर मैंने आपको बताया था वहां आपको अगर लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाता है, हानि हो तो माइनस, तो छूट भी माइनस ही होता है। तो 12% की छूट है तो 100 में से 12% निकाल दीजिए तो बचा कितना 88%, 88% एक्स का, ठीक है। एक खिलौना 132 में जा गया तो इतनी छूट के बाद 132 में बेच दिया बस, ये आंसर है एक्स हमारा इतना आ गया। अब इसे देख लीजिए कितना कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये हो जाएगा 44 × 80 और 44 दिया तो ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से ये 50 और 50 से ये 150, तो 150, ये देखिए आ गया 150। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना है। अच्छा जैसे आपसे कह रहा है ये
इंटरेस्ट एड ऑन 2500 डिपॉजिट फॉर 3 इयर्स एट 4% से पेपर में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज अगर आपको पता है, आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज हमारे पास होता है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये हमारे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, मूलधन दर समय। ये बस, तो आपके पास 2500 रुपए का है, दर कितनी है 4, कितने साल का 3 साल का, कितना 100, तो 100 से तो काट ही दीजिए, 4 3 12 और 25, तो 12 5 60, 12 2 24 अच्छे 30, कितना 300 रुपए। ये आपका आगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो अगर आपको ब्याज निकालना है तो इसमें हमारे पास होता है, जो आपके पास आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन आता है, ध्यान रखना मिश्रधन होता है PR 1 + R / 100 to the power, ये होता है मूलधन दर 100 और n समय, ये मिश्रधन आता है। मिश्रधन में से आप अगर निकालोगे माइनस करोगे तो आ जाएगा। अब इसमें आपके पास क्या 10% वार्षिक 1400 रुपए का 2 साल का, इसको दो तरह से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमारा मूलधन है 1400, ये हो गया 10/100, पावर हो गई 2, ये हमारा हो गया 11, 121, 1400 नीचे तो 10 है तो 121/100, 100 से कटी कर दीजिए, 14 × 14 1, 14 × 2 28 और 1 29 2, 14 × 14 कितना आ रहा है 121, ठीक है 28 और 1 29 2, 14 × 14 2, 16। ये हमारे पास आपका मूलधन कितना था 1400 रुपये, तो कितना आ गया 294 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ये हमारे पास इस तरह से आपको सोल्व करना। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। रवि और रश्मि ने कर्मशः 150 रुपये और 200 रुपये के व्यापार में निवेश किए। रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 में साझा किया गया हो तो कितने महीने बाद रवि ने रुपए वापस निकाले थे। ध्यान रखना है जो आपको मिलता है वो महीनों के हिसाब से मिलता है। तो रवि और रश्मि ने 150 रुपए और 200 रुपए के, लेकिन कुछ महीनों के बाद अपने पापा से पैसे वापस ले लिए, तो 150 × x ठीक है जी, और 200 × 12 ये हमारे पास। उसको 1:2 में कर दीजिए, 150 x और 200 × 12 1:2 ये हो जाएगा बस। तो सॉल्व करेंगे आप, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 6 काट दीजिए, 3 से 5 काट दीजिए, 5 से 4 काट दीजिए, 4 × 2 = 8 सीधा सीधा सा आ गया x बराबर, मतलब जिस अनुपात में आप लगाएंगे उसी अनुपात में आपको वापस मिलेगा। तो आपने इतने महीने इन्होंने लगाया x महीने, इन्होंने 12 महीने लगाया, तो इनका अनुपात ये हो गया, तो उसी को 1/2 रख दीजिए। चलिए क्वेश्चन और, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या का औसत का कुछ नहीं करना था, जितने भी नंबर होते हैं उनको सबको प्लस कर दीजिए, उतने ही नंबर से उसे भाग कर दीजिए, तो ये दिया हुआ है, तो जितनी जल्दी कर सकते हैं 30 दिया 90, और 18 और 27 35, 25 और 20 45, तो 90 45 45, तो ये आंसर आ गया। खेल जो है कैलकुलेशन का है, जितनी जल्दी आप उनको अपनी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करेंगे आपके साथ सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें।
में बच्चों की मदद कर सके। तो देखते हैं आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और मेरा तरीका आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। बात बेवकूफ बनाने की नहीं है, बात समझाने की और सिखाने की है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको अच्छे से समझाया जा सके।